एनटीपीसी के क्वार्टर थ्री के नतीजे आने वाले हैं और साथ साथ इंटरिम डिविडेंड का भी डिक्लेरेशन होने वाला है। क्या है लेटेस्ट डिविडेंड हिस्ट्री, उसके बारे में बात करेंगे। कौन से इंपॉर्टेंट क्वार्टर थ्री के नंबर्स इन्वेस्टर्स को देखने चाहिए, उन सब के बारे में दोस्तों बात करेंगे। सबसे पहले 29 जनवरी शनिवार का दिन है दोस्तों, आपको नोट करके रखना है, क्योंकि क्वार्टर थ्री मतलब जो अक्टूबर से दिसंबर 2021 के जो रिजल्ट वो आएंगे, इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर होने वाला है। इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डेट है वो मैं आपको बता दूं, 3 तारीख है मतलब 3 फरवरी जो है वो एक्स डिविडेंड डेट है। मतलब अगर आपको डिविडेंड के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 3 तारीख से पहले आपके पास स्टॉक होना चाहिए, 3 तारीख से पहले आप खरीद सकते हैं। 5 तारीख है रिकॉर्ड डेट। तो ये 2 इंपॉर्टेंट डेट रही एनटीपीसी के जो लेटेस्ट जो डिविडेंड आने वाले हैं उसको लेकर, 29 तारीख को हमको पता चलेगा। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके ताकि आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। रिसेंट डिविडेंड हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। देखिए पिछली बार की अगर आप बात करें तो 2 बार डिविडेंड ऐसे ही आप देख सकते हैं कंपनी ने दिया था, 3 रुपए का और 3 रुपए 15 पैसे। तो 11 फरवरी 2021 एक्स डेट थी, जो इस बार हमने 3 फरवरी की देखी है, तो जो लेटेस्ट डेटा कहता है कि पिछली बार 3 रुपए का डिविडेंड था, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम अंदाजा उसके आसपास का लगा सकते हैं, बट बहुत हद तक प्रॉफिट्स पर भी डिपेंड करता है। 3 रुपए का डिविडेंड था, फाइनल डिविडेंड था 3 रुपए 15 पैसे। कितना डिविडेंड रहेगा जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। पिछली बार का डेटा है 3 रुपए पर शेयर। अब कोविड वाला साल था 2019-20 में, तो कोविड नहीं था लेकिन बाद में कोविड आ गया था। तो 26 मार्च को 2020 को 2 साल पहले 50 पैसे का डिविडेंड था और फिर 2 रुपीज 65 पैसे का डिविडेंड था फाइनल डिविडेंड। तो 3 रुपए 15 पैसे का डिविडेंड, 3 रुपए 15 पैसे का डिविडेंड और 6 रुपए 15 पैसे का डिविडेंड पिछले 2 साल में मिला है। इस बार का कैसा ट्रेंड रहेगा बहुत कुछ हमको पता चलने वाला है जब रिजल्ट्स आएंगे। जब हम एनटीपीसी की बात कर रहे हैं तो 51% की गवर्नमेंट ओनरशिप है। पावर जनरेशन मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे यहाँ पे घर आ रही है वो तो बना रहा है, यहाँ पर डोमिनेंट प्लेयर है पूरे भारत में एक तरीके से, ये एक स्ट्रेटेजिक रोल है। 17% भारत का पावर जनरेशन एनटीपीसी के द्वारा हो रहा है। अभी आप देखेंगे जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है लगभग 65,825 मेगावाट की है, कैश फ्लो प्रिडिक्टेबल है मॉडल के हिसाब से, जो बिजनेस मॉडल है अभी फोकस उनका रिन्यूएबल एनर्जी पर भी हो गया है। और लेटेस्ट डेटा अगर आप देखेंगे तो 60 गीगावाट का टारगेट है 2030 तक रिन्यूएबल में। तो हम लोग कहते हैं बहुत सारे क्लीन एनर्जी शेयर, ग्रीन एनर्जी शेयर, सोलार शेयर, तो कहीं ना कहीं एनटीपीसी भी आता है। हाँ अभी फिलहाल क्लीन एनर्जी पर नहीं आएगा क्योंकि कोल बेस्ड थर्मल जनरेशन है, बट एनटीपीसी अपने आप को उस हिसाब से चेंज कर रहा है, नई जो रिन्यूएबल जो फोकस है वहां पर भी वो आ रहा है। तो ये रिजल्ट में हमको उसके बारे में भी बहुत कुछ पता चलेगा। अगली चीज कलेक्शन जो है, अगर रिस्क में देखें तो जो भी बिजनेस है तो जो स्टेट पावर यूटिलिटीज है तो उनकी थोड़ी सी हालत खराब है, तो इसीलिए जो कलेक्शन है उन्होंने पावर तो जनरेट कर दिया लेकिन पैसा भी तो आना चाहिए, तो वो आने में थोड़ी तकलीफ होती है। तो ये थोड़ा सा रिस्क है जो इन्वेस्टर जरूर ध्यान में रखे। अब इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल्स, अब फाइनेंशियल जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि फाइनेंशियल हमको जब पता चलेंगे तो हमको ये भी पता चलेगा कि डिविडेंड बढ़ सकता है या नहीं। देखिए रेवेन्यू के बारे में बात करता हूँ, पिछले साल का जो दिसंबर था 24,509 करोड़ का ये जो था रेवेन्यू आया था, तो इस बार का कितना आएगा हमको नहीं, ठीक है रिजल्ट आएगा तो हमको, तो ये एक इम्पोर्टेंट नंबर आपके लिए रहा। फिर सितंबर के महीने में क्वार्टर वन क्वार्टर 28,329 करोड़ तो ये रेवेन्यू था, और हम देख रहे हैं इनफैक्ट कि रेवेन्यू बढ़ ही रहा है क्वार्टर वन क्वार्टर, ठीक है ये एक इम्पोर्टेंट नंबर है। दूसरा इम्पोर्टेंट नंबर यहाँ पर हम प्रॉफिट्स की अगर हम बात करें, प्रॉफिट्स की अगर हम बात करें 3,315 करोड़ का पिछले साल दिसंबर में प्रॉफिट था, मार्च में 4,479 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर जून के महीने में 3,145 करोड़ और फिर सितंबर में 3,211 करोड़। तो प्रॉफिट जैसे क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ रहा है या नहीं वो हम देखेंगे। और दिसंबर में जैसे पिछले साल 3,315 करोड़ का मतलब 3,300 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, तो इस बार प्रॉफिट बढ़ रहा है कम हो रहा है सबके बारे में दोस्तों हमको पता चलेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, एटलीस्ट जो रेवेन्यू का नंबर है, प्रॉफिट्स का नंबर है, बाकी मार्जिन और एबिटा वो सब जैसे ही रिजल्ट आएंगे उन सबके बारे में तो बात करेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर है। कंपनी अगर प्रॉफिट कर रही हो तो एक चीज बिल्कुल समझ में आती है जो कि पीएसयूज है, उन लोगों की एक डिविडेंड पॉलिसी भी होती है, तो एक डिविडेंड पर भी एक हम एक तरीके से हम सोच सकते हैं कि डिविडेंड भी ज्यादा मिल सकता है। फिलहाल इन 2 क्वार्टर का अगर आप रिजल्ट देखें जून और सेप्टेम्बर का
तो स्टेबल रिजल्ट्स आए हुए हैं, स्टेबल ग्रोथ हो रहा है रेवेन्यू के भी क्षेत्र में और प्रॉफिट्स के भी। दिसंबर का जो रिजल्ट है कैसा आता है, बिल्कुल 29 तारीख का वेट रहेगा। बिल्कुल अपने भी जो एक्सपेक्टेशन है एनटीपीसी के रिजल्ट्स के, जरूर बताइए कमेंट सेक्शन। धन्यवाद आपके टाइम, थैंक यू।